दोस्तों, ये है ग्लैमर स्टक जो अभी हाल ही में जनवरी में लॉन्च हुई है 2022 में। तो कुछ छोटा मोटा वीडियो ऐसे बना ले रहे हैं। पहले ग्लैमर से जो आप लाइट देख रहे हैं एच मॉडल का, ये है इसका सेलेंसर जो है मोटा कर दिया गया, जो हमें सेलेंसर जो है हमें तो नहीं पसंद है, सेलेंसर बिल्कुल नहीं पसंद है। टायर जो है पसंद है, जो पसंद है वो बताएंगे छोटा मोटा हमको, क्योंकि जानकारी तो है ना। सीट जो है काफ़ी लंबी है और फुल ब्लैक गाड़ी है, और 3D में यहाँ पर ग्लैमर लिखा हुआ है। FI का इंजन i3S टेक्नोलॉजी साथ में है। और आगे से कुछ इस तरीके से दिखती है बाइक, फुली LED के साथ। यहाँ पे जब आप चाबी से ऑन करेंगे सिर्फ बिगर स्टार्ट के, तो यहाँ पे LED जलेगी, और गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो एक इसमें LED जलेगी। और इसमें जो है हाइलोजन बल्ब जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे 3D का हीरे का लोगो है, और जो ये दो ब्रेक हैं, ये जो कि आप चाहे पीछे मारे चाहे आगे, दो ब्रेक ही साथ में काम करेंगे। और यहाँ पे ग्लैमर की जो भी है ना लिखा हुआ है, इसमें स्टिकर लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये क्या बोलते हैं, जुगनू पुगनू, ये भी दिया गया है। इंडिकेटर जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पसंद है, मुझे बहुत पसंद है इसकी ये जो है इंडिकेटर। और 5 गियर के साथ में गाड़ी आती है। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी दी गई है, यहाँ पे क्या नाम है इसका, स्टैंड पे ऑन ऑफ इंजन इससे भी होता है। और जो ये आपका चैन कवर है, ये फाइबर का है। और कुछ बाकी रह गया, ये बाकी जो है पेट्रोल टैंक 10 लीटर का है, चल साथ में तो आती है i3 के साथ। और यहाँ पे हम चाबी भी लगा के कुछ दिखाएंगे, यहाँ पे हीरो का लोगो, यहाँ पे RPM मीटर है, और यहाँ पे गियर बताएगा जब गाड़ी चलाएंगे, गियर लगाएंगे तभी। यहाँ पे टाइम बता रहा है 2:19 जस्ट अभी हो रहा है। यहाँ पे टोटल किलोमीटर है इतना, 436 किलोमीटर हमने गाड़ी चला रखी है। और यहाँ पे पेट्रोल का है, ये जो देख रहा है ना पेट्रोल का है, और यहाँ से RPM है, जितना भी आप प्रेस देंगे गाड़ी। यहाँ ट्रिप है 28 किलोमीटर एवरेज है, और यहाँ पे टाइम है, मतलब हमने कितने टाइम 28 किलोमीटर में हमें 54 मिनट अभी तक लगा है। यहाँ पे टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है 12 जून, आज 12 जून है 2022। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे साइड स्टेयर का है, यहाँ पे i3S के काफ़ी सारे न्यूट्रल का सिंबल अभी बनेगी जो गाड़ी चलाते हुए बताएंगे। और यहाँ पे Trip 2 भी है, ब्लूटूथ है, इससे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कनेक्ट करेंगे, इससे कॉल और लोकेशन भी वगैरह देख सकते हैं। मैंने लोकेशन भी चेक किया, बराबर करेक्ट है, अच्छा लोकेशन चलता है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत बताता है, एकदम क्लियर करेक्ट बताता है। और यहाँ पे एवरेज बताएगा कितने पे आप अगर इस पे चेक करेंगे तो आपको जितने चलेंगे स्पीड के हिसाब से आपका रियल टाइम माइलेज बताएगा, कितने टाइम आपकी गाड़ी इतना एवरेज दे रही है। और यहाँ उसके आगे आइएगा तो ये है इको मोड, इको मोड लगाने के बाद जो है आपकी गाड़ी एवरेज पे, मतलब एवरेज अच्छा देगी, बताएगी सब कुछ। बाकी ठीक फिर से आ जाइएगा, वहाँ पर स्पीड, वहाँ पर गियर तो गाड़ी चलाते समय रहेगा। और इसका स्टार्टिंग और इसकी जो है हमने साउंड आपको सुनाएंगे, स्टार्टिंग बहुत ही स्मूथ है। स्टैंड पर है अभी गाड़ी, तो हालांकि हम इसको न्यूट्रल करेंगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, तो न्यूट्रल करेंगे गाड़ी। गाड़ी जो है हमारी न्यूट्रल हो चुकी है, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी सर्विस नहीं हुई है, टोटल हमारी 436 किलोमीटर चली है। साउंड जो है अभी सर्विस होगा तो बाकी टेस्ट शुरू होगा। आप लाइट देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है एच बन के कुछ अच्छा सा, उसके बाद आप साउंड सुनिएगा।
इंजन का कुछ इस तरीके से है। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है और स्टैंड आपका नीचे है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, और अगर आपकी गाड़ी गियर में है जैसे कि हमने गियर में डाल दिया तो आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगी। देखिए स्टैंड नीचे है, आप जब स्टैंड को यहाँ पे स्टैंड का लोगो दिखा रहा है यहाँ पे, और स्टैंड जब हम ऊपर करेंगे यूँ और हम क्लच को दाब के जो है ना, अभी तो एक हाथ से फोन लिया तभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए स्टार्ट हो चुकी है हाँ क्लच। जैसे हम अपना गाड़ी ऐसे जो स्टैंड है, स्टैंड जो है हम जैसे ही नीचे करेंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये फीचर से हमें बहुत अच्छा लगा, जो कि पहले गाड़ियों में था कि स्टैंड नीचे है चले जा रहे हैं और क्या नाम चले जा रहे हैं और वो क्या नाम है उनका स्टैंड नीचे, उससे दुर्घटना दोष हो जाती है काफ़ी सारी, मतलब आदमी गिर जाते हैं, ये सब बहुत सारे मतलब परेशानियाँ आती थी। तो अब वो सिस्टम इसमें था हटा दिया गया। बाकी अभी गाड़ी मैंने 236 किलोमीटर ही चलाया, अच्छी गाड़ी है। अगर आप पर्सनल डेली ज़्यादा हैवी यूज़ करते हैं या ज़्यादा चाहते हैं तब वो गाड़ी आपके लिए, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे थोड़ा सा। और क्योंकि अगर आपको लेनी है, अगर आपको लुक्स नहीं चाहिए गाड़ी में, अगर आपको लुक्स चाहिए तो गाड़ी आप ले सकते हैं। अगर आपको लुक्स नहीं चाहिए गाड़ी का मार्क्स, और मतलब ये है क्या बोलते हैं लुक्स नहीं चाहिए गाड़ी, सिंपल चाहिए गाड़ी चाहिए, तो आप हीरो स्प्लेंडर प्लस पे ही जाएं। आगे से देखिए लाइट जो है जल रही है इसकी। लुक्स नहीं चाहिए तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्प्लेंडर प्लस ही खरीदें, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस की टक्कर की ये गाड़ी नहीं है, चाहे 125 cc हो चाहे 150 cc।